Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st August 2020. So dear students, I heartily request all of you, all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home, to use your precious time to read your books prescribed by the government. Dear students, in the previous class, I taught you about the five poem this near James Stephen. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 10 नंबर का जो पोयम रेनबो की 5 पोइम जो बोर्ड में 10 मार्क्स की आती है अर्थात 10 अंक की आती है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए आज मैं आपको एक कंपोजिशन की टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। नोटिस, यस, इन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नोटिस है, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नोटिस है। नोटिस का मतलब सूचना। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नोटिस? नोटिस की परिभाषा क्या होती है? मेन फीचर्स ऑफ नोटिस है। नोटिस की विशेषता क्या होती है? हाउ टू सॉल्व नोटिस है, और नोटिस को किस प्रकार से हल किया जाता है। यह आपके बोर्ड में बेटा कुल है 4 नंबर की आती है। आप लोग को बताया था कि इस 4 नंबर को प्राप्त करने के लिए इसमें 5 टॉपिक है, जिसमें से 2 मैं आपको पढ़ा चुका था, एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ा चुका हूं, इनविटेशन आपको पढ़ा चुका हूं, नोटिस आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब पीछे बचेगा 2, एक पोस्टर और एक आर्गुमेंट। यस, तो आओ चलो आज बच्चे हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू सॉल्व नोटिस है, यानी सूचना को कैसे सॉल्व किया जाता है, अर्थात सूचना की परिभाषा क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो लो बच्चों, यहां पे हम लोग देते हैं नोटिस है, ब्लैक बोर्ड पे देखो। इससे नोटिस का मतलब होता है सूचना। बताओ, एन ओ टी आई सी ई, बोलो इस नोटिस का मतलब क्या होता? सूचना। तो सबसे पहले हमको यह देखना है, क्या बच्चों, यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, डीफी अ नेशन आव अ नो अटिस है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, डिफिनेशन का मतलब होता परिभाषा, आव का मतलब होता काके की, नोटिस का मतलब होता सूचना, अर्थात सूचना की परिभाषा। इन्हें कहने का मतलब सूचना किसे कहा जाता है। क्या तैयार हो बच्चों? यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे नो अटिस इज अ शॉर्ट पीस है, नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ अ राई अटिंग। यस बच्चों, क्या कहा मैंने? नोटिस का मतलब होता है सूचना, इज अ शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, पीस का मतलब होता है टुकड़ा या अंश है, इस आव का मतलब होता काके की, राइटिंग का मतलब होता लेख है या लेखनी, अर्थात सूचना जो है लेखनी की एक छोटा सा अंश है। बड़ो बच्चों आगे, अब आगे, इट इज अ फैक्चुअल एंड अ फॉर्मल इन
अक्षर है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे आया बेटा इट है, तो इस इट का उपयोग बताओ किसके लिए किया गया, नोटिस है। नोटिस का मतलब सूचना के लिए किया गया, इट इज है। फैक्चुअल का मतलब होता वास्तविक है, बोलो फैक्चुअल का मतलब वास्तविक है। एंड है फॉर्मल का मतलब होता औपचारिक है। इन नेचर है, नेचर का मतलब होता प्रकृति, यानी यह प्रकृति में वास्तविक है और औपचारिक होती है। बड़ो बच्चों आगे क्या कहा, इट इज अ फैक्चुअल का मतलब होता वास्तविक है, एंड का मतलब होता और है। बोलो यहां पे एंड का मतलब क्या होता, और है। फॉर्मल का मतलब होता औपचारिक, इन नेचर का मतलब होता प्रकृति, यानी यह प्रकृति में वास्तविक है और औपचारिक होती है। बड़ो बच्चों आगे, यस आगे देखना, इट इज ए, यस बच्चों अ रिटेन है, इट इज ए रिटेन है, अ टू अ प्रोवाइड है, क्या बच्चों अ इन है, अ फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट है। आगे देखना अबाउट है, एन है, इवेंट का मतलब होता घटना, कामा, यस बच्चों अ से रे, मनी का मतलब होता समारोह, कामा, अ इन वाई, इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण, एंड वार्निंग, वार्निंग का मतलब होता चेतावनी। यस बच्चों देखो, इट इज ए रिटेन, रिटेन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ राइट है, इससे राइट का मतलब होता लिखना, इसे लिखा जाता है। टू प्रोवाइड का मतलब होता प्रदान करने के लिए, इंफॉर्मेशन का मतलब होता सूचना, इन इस नोटिस को सूचना प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। किसके बारे में, अबाउट का मतलब होता के बारे में। यहां पे इन इवेंट का मतलब होता एक घटना के बारे में, सेरेमनी का मतलब होता समारोह, समारोह के बारे में, इनविटेशन का मतलब होता आमंत्रण है, आमंत्रण के बारे में, एंड है वार्निंग का मतलब होता चेतावनी, अर्थात घटना, समारोह, आमंत्रण है और चेतावनी के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए नोटिस को लिखा जाता है। लास्ट बच्चों, इट इज ए, यस अ जे न, अ रली, यस अ डिस है, अ प्लेड है, कहां, ऑन अ नो, अ टिस है, अ बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, इट का मतलब होता है इसे, अर्थात नोटिस को, जेनरली का मतलब होता सामान्यतया या आमतौर पे, डिस्प्लेड का मतलब होता प्रदर्शित किया जाता है, इस सूचना को आमतौर पे प्रदर्शित है, किया जाता है। अन का मतलब होता पर है, नोटिस बोर्ड का मतलब होता सूचना पट है, यानी आमतौर पे या सामान्यतया इस सूचना को सूचना पट पर है प्रदर्शित है किया जाता है। यस बच्चों फिर से देखना, यह है आपकी बच्चों इस नोटिस की डिफिनेशन का मतलब होता परिभाषा। लो बेटा ब्लैक बोर्ड पे, नोटिस का मतलब होता सूचना, इज अ शॉर्ट का मतलब होता छोटा, पीस का मतलब होता अंश है या टुकड़ा, आप का मतलब होता काके की, राइटिंग का मतलब होता लेख है या लेखनी। ब्लैक बोर्ड पे देखो, सूचना लेखनी का एक छोटा सा भाग है, या बेटा सूचना लेखनी का एक छोटा सा अंश है। बढ़ो आगे, यस बच्चों आगे, इट का मतलब होता इसे, किसे बच्चों, इसे, नोटिस का मतलब होता सूचना को, इट इज ए फैक्चुअल का मतलब होता वास्तविक है, यह वास्तविक है, एंड है फॉर्मल का मतलब होता औपचारिक है,
इन नेचर का मतलब होता प्रकृति, यानी सूचना की प्रकृति जो है वह वास्तव में वास्तविक है और औपचारिक होती है। यानी प्रकृति में सूचना वास्तविक और औपचारिक होती है। बढ़ू आगे, यस। इट इट का मतलब होता है सूचना। इज रिटन है, रिटन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ राइट है। राइट का मतलब होता लिखना, इसे लिखा जाता है। प्रोवाइड का मतलब होता प्रदान करने के लिए। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, इसे सूचना प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। अबाउट का मतलब होता के बारे में। इवेंट का मतलब होता घटना। सेरेमनी का मतलब होता समारोह। इनविटेशन का मतलब होता आमंत्रण है। एंड वार्निंग का मतलब होता चेतावनी। चार चीजें दिया बच्चों, इसे घटना, समारोह, आमंत्रण है और चेतावनी के बारे में सूचना देने के लिए लिखा जाता है। सबसे बेहतर टॉपिक बच्चों कि सूचना को किसी घटना, किसी समारोह, किसी चेतावनी और आमंत्रण के बारे में लोगों को सूचना देने के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए और नोटिस को लिखा जाता है। यस बच्चों, चलू आगे। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। इट का मतलब होता इसे, किसे, नोटिस को। इज है जेनरली का मतलब होता सामान्य तौर पे या आम तौर पे। डिस्प्ले का मतलब होता प्रदर्शित किया जाता है। सूचना को आम तौर पे प्रदर्शित किया जाता है। अन का मतलब होता पर या ऊपर। नोटिस बोर्ड का मतलब होता सूचना पट है। यानी सूचना को आम तौर पे सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाता है। बोलो बच्चों, क्या इसमें आप लोगों को कोई समस्या है? नोटिस का मतलब होता सूचना। मैं यहां पे इस सूचना की परिभाषा समझा रहा हूं कि सूचना लेखनी का एक छोटा सा अंश है या भाग है। यस, यह प्रकृति में वास्तविक और औपचारिक होता है। आगे इसे लिखा जाता है सूचना प्रदान करने के लिए, किसी घटना के बारे में, समारोह के बारे में, आमंत्रण के बारे में और चेतावनी। यानी घटना, समारोह, आमंत्रण और चेतावनी के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए इसे लिखा जाता है। यस बच्चों, अब आगे क्या करा। इट इज ए जनरली का मतलब सामान्य तौर पे। और डिस्प्लेड का मतलब प्रदर्शित किया जाता है। ऑन अ नोटिस बोर्ड का मतलब सूचना पट। यानी इसे आम तौर पे सूचना पट पे प्रदर्शित किया जाता है। यस बच्चों, बढ़ू आगे। मैंने यहां पे आपको बताया इस सूचना की परिभाषा। अब आगे चलते बच्चों कि इस सूचना की मुख्य विशेषता क्या होती है। तैयार हो बेटा, लो आओ ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, अब हम लोग यहां पे हेडिंग डालते हैं मेन। यस, अफी अचर्स है, आव है, नो अटिस है। ब्लैक बोर्ड पर देखना आप लोग। मेन का मतलब होता बेटा मुख्य। फीचर्स का मतलब होता विशेषता। यस, मेन फीचर्स का मतलब क्या होता? मुख्य विशेषता। आउ का मतलब होता काके की। इस नोटिस का मतलब सूचना, यानी सूचना की मुख्य विशेषताएं। यस बेटा, तैयार हो? क्या कहा मैंने?
मेन का मतलब होता मुख्य, फीचर्स का मतलब होता विशेषता, आव का मतलब होता काके की, नोटिस का मतलब होता सूचना, यानी सूचना की मुख्य विशेषताएं। बढ़ू आगे, यस बच्चों, इस सूचना की विशेषताएं अनेक होती है, लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ है महत्वपूर्ण है विशेषताएं बताता हूं। आओ बच्चों ब्लैक बोर्ड पे पहला देखो, यानी इट है, इट का मतलब होता इस सूचना का, आ शुड बी, यस बच्चों, रिटेन, रिटेन का मतलब लिखा जाता है, आ इन है, ब्रीफ है, ब्रीफ का मतलब होता संक्षिप्त अर्थात छोटा, एंड है, आ टू द पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता प्रासंगिक अर्थात मूल बिंदु। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इट का मतलब होता सूचना को, शुड बी, रिटन का मतलब लिखा जाना चाहिए, इन सूचना को लिखा जाना चाहिए, इन ब्रीफ का मतलब होता संक्षिप्त है अर्थात शॉर्ट रूप में, सूचना को संक्षिप्त है, एंड है, टू द पॉइंट का मतलब होता प्रासंगिक है, लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों, मेरी पहली बात समझे आप लोग, यानी सूचना को संक्षिप्त है और प्रासंगिक है, लिखा जाना चाहिए। बढ़ू आगे, यस बच्चों, दूसरा देखो, यहां पे दूसरी विशेषता इसकी है, इट है, आ शुड है, आ बी, यस है, आ रिटेन है, आ इन है, आ थर्ड है, आ पर है, आ सन। ब्लैकबोर्ड पे देखना बच्चों, इट का मतलब होता है इस सूचना को, शुड बी, रिटन का मतलब लिखा जाना चाहिए, सूचना को लिखा जाना चाहिए, इन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता बच्चों आ उत्तम है, आ पुरुष है, बताओ कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता उत्तम पुरुष है। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, सेकेंड पर्सन हो गया यू और थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट, दे और नेम। तो क्या कहा बच्चों, इट का मतलब होता इस सूचना का, शुड बी, रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए, इन थर्ड पर्सन का मतलब होता उत्तम पुरुष है, इन सूचना को थर्ड पर्सन है उत्तम पुरुष में लिखा जाना चाहिए। बढ़ू आगे, यस बच्चों, तीसरे नंबर पे आता है आ इट है, आ शुड है, आ बी, आ रिटेन, इन इसे लिखा जाना चाहिए, इट शुड बी रिटेन है, आ इन है, आ फॉर्मल है, एंड है, आ सिम, आ पल है, आ लय, गा, अवेज है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इट का मतलब होता इस सूचना को, शुड बी, रिटन का मतलब लिखा जाना चाहिए, इस सूचना को लिखा जाना चाहिए, इन है, फॉर्मल का मतलब होता औपचारिक, औपचारिक तौर पे, एंड है, सिंपल लैंग्वेज का मतलब सरल भाषा में, इन सूचना को सरल भाषा में और औपचारिक तरीके से लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों, सूचना को साधारण भाषा में और औपचारिक तरीके से लिखा जाना चाहिए। बढ़ो बच्चों आगे, यस चौथी है बच्चों, यहां पे आ इट है, आ शुड है, बी, आ रिटेन, इन इस शुड बी रिटेन है, आन अ, नो, अ टिस है, अ बोर्ड। देखो ये कहां लिखा, इट का मतलब होता सूचना को, शुड बी, रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए, आन अ, नोटिस बोर्ड का मतलब होता सूचना पट है, यानी सूचना को सूचना पट पर है लिखा जाना चाहिए। बड़ो बच्चों आगे, यस, अब आओ देखो यहां पे फाइव क्या है,
डेट का मतलब होता दिनांक है, मंथ का मतलब होता महीना, एंड ईयर का मतलब होता वर्ष है। यस बच्चों आ सुड है। बी रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे देख लो। डेट का मतलब होता दिनांक है, मंथ का मतलब होता महीना, एंड ईयर का मतलब होता वर्ष है। जिस दिन आप सूचना को लिखोगे उस दिन का डेट है, मंथ और ईयर है। शुड बी रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए। जब सूचना आप लिखोगे तो जिस दिन सूचना को लिखा जाता है उसी दिन की डेट, मंथ और ईयर है अवश्य लिखा जाना चाहिए। बढ़ो बच्चों आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट आप देखना सिक्स। यस बच्चों द अ नेम है, आव है, अ ई सु इंग है, अ आ अथा अरीटी सुडे बी अरीटेन। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता नाम, आव है, इशूइंग का मतलब होता जारी करना, अथॉरिटी का मतलब होता अधिकारी, अर्थात उस सूचना को जारी करने वाले अधिकारी का नाम जो है शुड बी रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों इसके साथ साथ द नेम एंड है अ पोस्ट है, यहां पे लिख लेना नेम एंड है पोस्ट है, पोस्ट का मतलब होता पद है। द नेम ऑन द नेम एंड है पोस्ट है, आव है, इशूइंग अथॉरिटी इन सूचना को जारी करने वाले व्यक्ति का नाम है और उसका पद है, सूचना के अंत में अवश्य लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों यह लिखा जाना चाहिए। ये है बच्चों इस सूचना की निम्नलिखित है अच्छा विशेषता। आओ बेटा फिर से एक बार इसको देखते हैं। देखो मेन का मतलब होता मुख्य, फीचर्स का मतलब होता विशेषता, आव है, नोटिस का मतलब होता सूचना, यानी सूचना की मुख्य विशेषताएं। पहला है इट का मतलब होता इस सूचना का, शुड बी रिटन का मतलब लिखा जाना चाहिए, इन ब्रीफ है, ब्रीफ का मतलब होता संक्षिप्त में, एंड है, टू द पॉइंट का मतलब प्रासंगिक, यानी सूचना को संक्षिप्त और है प्रासंगिक रूप से लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों दूसरा इट का मतलब होता है इसे सूचना का, शुड बी रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए, इन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता उत्तम पुरुष है, इन सूचना को थर्ड पर्सन है उत्तम है पुरुष में लिखा जाना चाहिए। आगे इट का मतलब होता सूचना को, शुड बी रिटन का मतलब लिखा जाना चाहिए, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, एंड सिंपल का मतलब सरल है, लैंग्वेज का मतलब भाषा, इन सूचना को औपचारिक है और है सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। बड़ो बच्चों आगे, यस इट शुड बी रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए ऑन है अ नोटिस बोर्ड है, इन सूचना को असूचना पट पर है लिखा जाना चाहिए, इन सूचना को आप यहां वहां कहीं भी नहीं लिख सकते, सूचना हमेशा नोटिस बोर्ड पर ही लिखी जानी चाहिए। बड़ो बच्चों आगे, यस डेट का मतलब होता दिनांक है, मंथ का मतलब होता महीना, एंड ईयर का मतलब होता वर्ष है, शुड बी रिटन का मतलब होता लिखा जाना चाहिए नोटिस में, आइदर लेफ्ट साइड आर है राइट साइड, या तो बच्चों दाहिनी तरफ, ब्लैक बोर्ड पे देख लेना, आइदर है यस है ऑन है अ लेफ्ट है आर है अ रा अ इट है अ सा इड है, यानी सूचना के या तो बाएं तरफ या तो राइट का मतलब दाहिने तरफ, यानी सूचना जहां लिखोगे
उसके बाएं तरफ या तो दाहिनी तरफ है, इस डेट है मंथ और ईयर को अवश्य लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों, अंतिम है द नेम है एंड है पोस्ट है नाम और पद है। इशूइंग का मतलब जारी करने वाले, अथॉरिटी का मतलब अधिकारीगढ़। जो भी व्यक्ति उस सूचना को जारी करता है उस व्यक्ति का नाम और उसका पद है इन सूचना में लिखा जाना चाहिए। यस बच्चों, ये रही आपके इस सूचना की मुख्य विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सूचना की परिभाषा आपको बता दिया, सूचना की विशेषता बता दिया। अब तीसरे स्टेप पे चलता हूं, हाउ टू सॉल्व है नोटिस है इन सूचना को हल है कैसे किया जाता है। चलो बच्चों आगे। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यस बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखो आप, यहां पे तीसरी टॉपिक पे मैं पहुंचा हूं, यहां पे हाउ ऑटो सॉल्व है नोटिस है। हाउ का मतलब होता है कैसे, टू सॉल्व का मतलब होता है हल किया जाता है, नोटिस का मतलब होता है सूचना, यानी सूचना को हल है कैसे किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके काम की चीज शुरू होता है। अब आप ध्यान दो कि सूचना को सॉल्व करने का कुल है, एट का मतलब होता आठ है। बताओ कितने बच्चों, एट का मतलब होता आठ है। यस, एट का मतलब आठ है। रूल्स का मतलब होता नियम होते हैं। कितने बच्चों, आठ। यानी कोई भी सूचना हो उसको हल करने के कुल है आठ है नियम होते हैं। अगर आप तैयार हो तो मैं शुरू करूं। ये लो बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट है, ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम आव अ इंस्टी अ ट्यूशन है। यस बच्चों, द नेम का मतलब होता नाम, आव का मतलब होता काके की, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता संस्थान, यानी संस्था का नाम। दूसरा इसमें बच्चों, द नेम है, नेम का मतलब होता नाम, आव है अ कम अपनी, यानी कंपनी का नाम। तीसरा है बच्चों इसमें, द अ नेम है अ आव है अ क अ म्यू अ निटी, कम्युनिटी का मतलब होता समिति, यानी संस्था समिति या कंपनी का नाम। ब्लैकबोर्ड पर देखो एकदम ध्यान पूर्वक, द नेम का मतलब होता नाम, आव का मतलब होता काके की, इंस्टीट्यूट का मतलब होता संस्था, यानी संस्था का नाम। जिस संस्था के अंतर्गत आपको सूचना निकलवाना है, सबसे पहले एक लाइन में, कहां बच्चों, यानी सबसे पहले एक लाइन में उस संस्था का नाम लिखोगे। यस, जैसे मान लो इस मदर टेरेसा स्कूल में सूचना निकलवानी है, तो सबसे पहले आपको ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे पहले लाइन में, एक लाइन में उस संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। अगर यह नाम प्रश्न में है तो उसे लिखो, अगर नहीं होगा तो आपको अपने तरीके से किसी न किसी संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। यस बच्चों, द नेम का मतलब होता नाम, आव है कंपनी, यानी कंपनी का नाम। अगर कोई सूचना किसी कंपनी में निकलवाई जा रही है तो सबसे ऊपर एक लाइन में उस कंपनी का
नाम लिखना पड़ेगा। यस बच्चों, तीसरे नंबर पे है द नेम ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता समिति, अर्थात समिति का नाम। जैसे ये आप लोग के समाज का ये जो हॉस्टल है ये समिति से गवर्न होता है, तो उस समिति का नाम। अब मान लो जैसे किसान बॉयज हॉस्टल में नोटिस निकलवाना है, तो सबसे पहले एक लाइन में लिखा जाएगा किसान है, बॉयज है, हॉस्टल। अर्थात इन तीनों में से, बेटा तीनों नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। जिस संस्था समिति और कंपनी के अंतर्गत है उस सूचना को निकलवाना है, तो सबसे ऊपर एक लाइन में उस संस्था समिति या कंपनी का नाम ही आएगा। अगर इन तीनों में मान लो कोई एक प्रश्न में दिया है तो आप उसे लिखोगे, अगर प्रश्न में नहीं दिया है, ध्यान दो, अगर संस्था समिति कंपनी के तीनों में से कोई नाम प्रश्न में दिया है तो उसे लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा तब आपको अपने तरीके से किसी न किसी संस्था समिति या कंपनी का नाम है लिखना पड़ेगा। कहां? सबसे ऊपर। कितनी लाइन में? एक लाइन में। आगे देखो, जिसके प्रत्येक शब्द का हर अक्षर है। कैसे होगा? अ कैपी अटल है, अ लेटर। बताओ कैसे होगा? जिसके प्रत्येक शब्द का हर अक्षर है कैपिटल लेटर से, या प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर है कौन सा? प्रत्येक शब्द का फर्स्ट का मतलब होता प्रथम है, लेटर का मतलब होता अक्षर है। कैसे लिखोगे? कैपिटल का मतलब होता बड़े अक्षर से लिखोगे। नहीं समझे बच्चों आप लोग? देखो दो सिस्टम है, एक है बच्चों वह संस्था समी कंपनी और समिति का नाम लिखना होगा, तो कहां लिखना होगा? सबसे ऊपर। कितनी लाइन में? एक लाइन में। तो जिसके प्रत्येक शब्द का हर अक्षर है, आप कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो हर शब्द का फर्स्ट का मतलब होता पहला लेटर, पहला अक्षर है। कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, जैसे मान लो आपको ये सूचना जो है वह आपके मदर टेरेसा स्कूल में निकलवानी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? इस संस्था का नाम। तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ म अ द अ र। यस बच्चों, अ टे अ रे असा। यस है असी अनी यर असे अकेन अड अरी। यस अइस अकोल। ये देखो बच्चों, मैंने एक लाइन में इस संस्था का नाम लिख दिया, जिसके हर शब्द का हर अक्षर है। मैंने कैसे लिखा? कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा। यस बेटा, अब क्या करना? इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। बोलो कितनी लाइन? एक लाइन। इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। अब चले आओगे इसी के नीचे, मान लो यहां पे आपने एक लाइन छोड़ दिया इसके नीचे, इसके नीचे चले आओगे, अब आएगा आपका रूल नंबर सेकंड। यहां पे आएगा बच्चों रूल नंबर सेकंड। देखो क्या इसमें आएगा? अ प्रॉपर है, अ प्लेस है, कामा। फिर यहां पे हो जाएगा द नेम है, अ आव है, अ डिस है, अ टेक है। देखो प्रॉपर प्लेस का मतलब होता उचित स्थान, फिर कामा करके द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, इन जिले का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये संस्था समिति या कंपनी जो है जिस प्रॉपर स्थान पे स्थित होती है उस प्रॉपर स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप बाड़मेर के रहने वाले हो, ये मदर टेरेसा किस प्रॉपर स्थान पे स्थित है? रामनगर। जैसे मयूर है
किस प्रॉपर स्थान पर स्थित है, गांधीनगर है, तो उसी तरह से बच्चों आपको उस प्रॉपर है स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो गांधी चौक है या आपका जो भी है वो किस प्रॉपर स्थान पर स्थित है, तो उस प्रॉपर है स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर स्थान जो आएगा इसका भी हर शब्द का हर अक्षर है कैसे आएगा, कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। फिर यहां पे करोगे कामा, फिर क्या आएगा जिले का नाम, इस जिले के नाम का भी हर अक्षर है कैसे लिखा जाएगा बड़े से। तो ये बेटा दोनों चीज आएगा आपका कैपिटल लेटर, अर्थात कैपिटल लेटर का मतलब होता बड़े अक्षर से और लिखा जाएगा। मेरी बात समझे। इसके नीचे आपने एक लाइन छोड़ दिया, अब बच्चों आपको ऐसे लिखना होगा जैसे ये इसके नीचे बीच में सेट हो, न तो दाहिनी तरफ न तो बाईं तरफ, बल्कि कहां लिखना होगा इसके बीच में, ताकि ये सुंदर है और बेहतर दिखे, आपके एग्जामिनर को या आपका उत्तर जो है हुआ आकर्षित कर सके, जिससे कि आपको पूरे के पूरे अंक बोर्ड में दे। तो इसलिए न तो इसको बाईं तरफ न तो दाहिनी तरफ, बल्कि इसके नीचे बीच में लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा अ रा म, यस अ न अगर कामा, अब लिख दिया यहां पे अ बार है अ मे र, यस बच्चों ये देखो आपका हो गया रूल नंबर फर्स्ट है संस्था का नाम, फिर हो गया यहां पे प्रॉपर प्लेस है कामा जिले का नाम। बड़ो बच्चों आगे अब आ जाओ आप लोग रूल नंबर अ थर्ड है, रूल नंबर थर्ड में बच्चों डेट है अ प्लस है मंथ है अ प्लस है ईयर, ये देखो तीन चीज है। यहां पे डेट का मतलब होता दिनांक, मंथ का मतलब होता महीना और ईयर का मतलब वर्ष है। ये किस दिन का आएगा, जिस दिन आप उस सूचना को लिखोगे उसी दिन का। लेकिन ब्लैक बोर्ड पे देखो, अगर मान लो कोई जयंती या समारोह जो फिक्स डेट की होगी, तब बेटा जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की नहीं, बल्कि जिस दिन वह कार्यक्रम होगा उससे दो दिन चार दिन पांच दिन पहले की, क्योंकि सूचना कार्यक्रम से पहले निकलवाई जाती है कार्यक्रम के बाद नहीं। सपोज दैट जैसे हमको गांधी जयंती मनाना है, तो गांधी जयंती कब मनाना है 2 अक्टूबर को, तो सूचना हमें 2 अक्टूबर से पहले निकलवानी होगी। तो याद रहे कि अगर कोई फिक्स कार्यक्रम का है तो उसके अनुसार लिखना पड़ेगा, अन्यथा जिस दिन आप लिखोगे उसी दिन की डेट मंथ है और ईयर है लिखी जाएगी। ये चीज बच्चों आप बाईं तरफ भी लिख सकते हो दाहिनी तरफ भी लिख सकते हो, स्वतंत्र हो कोई दिक्कत नहीं, इसे दाहिनी तरफ भी लिखा जा सकता है बाईं तरफ लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको केवल एक समझा रहा हूं इसे आपको कहां लिखना है बाईं तरफ। ब्लैक बोर्ड पे देखो, चले आओगे बच्चों आप लोग लाइन नहीं छोड़ोगे बेटा, अब इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ी जाएगी, याद आपको इसके नीचे लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। चले आओगे आप लोग बाईं तरफ लिखोगे डेट मंथ और ईयर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ सेप है अ टेम अ बर है, यस जैसे हमको लिखना है 20 है 2020 लिख दिया, देखो ये मैंने आपको क्या लिख दिया डेट, डेट का मतलब होता दिनांक है, जिसमें तीनों आ गया डेट भी आ गया मंथ भी आ गया ईयर हो गया, ये देखो सितंबर महीना हो गया, 20 डेट हो गया, 2020 ईयर हो गया, यस ये हो गई बच्चों आपकी तीसरी टॉपिक। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 है, यस ब्लैक बोर्ड पे देखो, रूल नंबर अब 4 आएगा बच्चों आपका, ध्यान दो रूल नंबर 4 जो है वो आपका है द नेम आव अ हे अ डिंग,
ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता नाम, आव का मतलब होता काके की, हेडिंग का मतलब शीर्षक, यानी शीर्षक का नाम कहां लिखोगे। अब सुनो, इसके नीचे लाइन नहीं छोड़नी है, तुरंत इसके से ये लाइन आपकी कॉपी में छूटी, अब तुरंत इसके नीचे चले जाओगे बच्चों आप लोग मिडिल। मिडिल का मतलब होता मध्य में, अर्थात बीच में, हेडिंग के रूप में सिर्फ आएगा आपका नोटिस है। बोलो क्या आएगा? नोटिस, यानी हेडिंग के रूप में किसी दूसरे का उपयोग नहीं बल्कि नोटिस का उपयोग होगा। और इसका हर अक्षर कैसे आएगा? बड़े से। तो मान लो यहां पे बीच में आकर के हम लोग यहां पे क्या हेडिंग डालते हैं? नो आटीस। यस बच्चों, ये हो गया आपका हेडिंग नोटिस, रूल नंबर 4 है। बढ़ू आगे? अब आ जाओगे बच्चों आप लोग अपना रूल नंबर 5 है। क्या है? द सब है, अजेक्ट है, आव है, नो अटिस है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता विषय, आव का मतलब होता काके की, नोटिस का मतलब होता सूचना, यानी सूचना का विषय। ये आपको याद रहे बच्चों, हमेशा प्रश्न में दिया होगा। कहां दिया होगा? यह हमेशा प्रश्न में दिया होगा। याद रहे कि अगर यह सब्जेक्ट है आपका नाउन का मतलब होता संज्ञा होगी तो नो चेंज है। नो चेंज का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस, जैसे गांधी जयंती आ गया, रिपब्लिक डे आ गया, इंडिपेंडेंस डे आ गया, टीचर्स डे आ गया, यस ऐसे कोई नाउन हो गया, संज्ञा हो गई, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे वर्ब हो गया तो इसके सेकंड फॉर्म को लिखा जाता है। मेरी बात समझे? जैसे अगर आपकी कोई चीज खो गई तो खोना की अंग्रेजी क्या होती है? लॉस है। अब लॉस नहीं बल्कि आपकी हेडिंग क्या बनेगी? LOST, लॉस्ट है, प्लस है उस वस्तु का नाम। यस, अगर वो होगा तो सेकंड फॉर्म, अगर नाउन होगा तो नो चेंज। अब बच्चों ये आएगा कहां? तुरंत इसी के नीचे, लाइन नहीं छोड़नी है, तुरंत इसी के नीचे आएगा आपका उस नोटिस का विषय। जैसे हमको लिखना है गांधी जयंती, तो गांधी जयंती नाउन है, नो चेंज, तो तुरंत इसके नीचे आएगा बच्चों आपका जैसे अगान, गांधी। यस, अज अयन, अति। यस बच्चों, ये हो गया इसका भी हर शब्द का हर अक्षर कैसे आएगा? बड़े से। यस, अब फिर इसके नीचे आप लोग लाइन मत छोड़ना, अब चले आओगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड। कहां आओगे? लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे आएगा आपका रूल नंबर 6 है। क्या आएगा बच्चों? बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। बताओ क्या आता है? मुख्य भाग। यह मुख्य भाग जो है वो आपको 35 से 45 शब्द के बीच में लिखना होता है। पूरी नोटिस जो है 50 शब्द में लिखनी होती है, तो ये जो बॉडी होगा ये आपका 35 से 45 शब्द के बीच में। किस तरह? चले आओ, लाइन नहीं छोड़ोगे इसके नीचे, अब लाइन नहीं छोड़ोगे, चले आओगे बाई तरफ। अब यहां से आपकी क्या शुरू हो जाती है? बॉडी। यस बच्चों, जो आपको मैं सूत्र बताऊंगा उसी सूत्र की सहायता से आपको इसमें भरना होता है 35 से 45 शब्द के बीच में। बढ़ू आगे? ये आपको बॉडी बच्चों बाद में पढ़ाऊंगा, फिर आपको हल करके दिखाऊंगा। तो देखो ये हो गया आपका रूल नंबर 6 है। अब चले आओगे बच्चों आपका आएगा रूल नंबर 7। यस, रूल नंबर 7 है आपका द नेम है, आव है, अ नोटिसर। नेम का मतलब होता नाम, नोटिसर का मतलब होता सूचना निकलवाने वाला, इन सूचना निकलवाने वाले का नाम। किस तरफ जाओगे?
दाहिनी तरफ नहीं बाई तरफ आओगे, जहां पे ये नोटिस बॉडी समाप्त हो जाएगी, लाइन नहीं छोड़ोगे, बॉडी समाप्त होने के बाद तुरंत उसी के नीचे आ जाएगा आपका नाम। जैसे यहां पे हो गया रमेश है, अकुमार नाम लिख दिया, यस। फिर उसके बाद बच्चों रूल नंबर आपका आएगा आठवां, नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या, द अपोस्ट है, पोस्ट आव है, अ नोटिसर, पोस्ट का मतलब होता पद है, आव का मतलब होता काके की, नोटिसर का मतलब होता सूचना, यानी सूचना निकलवाने वाले का पद है। जैसे यहां पे आपने रमेश कुमार लिखा, तो अब ये रमेश कुमार का पद क्या है, अगर प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो आपको अपने तरीके से कोई ना कोई पद है आ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ द अप्रिन असी अपल, यस। अब बच्चों ये सब कुछ लिखने के बाद एक चीज भूलना मत बच्चों, आपको बॉक्स से बनाना पड़ेगा, जो कुछ भी आप लिखोगे आपको बॉक्स के अंदर है आप भरना होता है, बॉक्स बना करके इसे क्लोज कर दोगे, ये रहेगी बच्चों आपकी नोटिस है, जिसमें कुल 8 नियमों का उपयोग होता है। अब देखो यहां पे मैं आपको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं कि ये 8 नियम आपके कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहला आपका हो गया रूल नंबर आप फर्स्ट है, यानी संस्था समिति या कंपनी का नाम। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हो गया आपका रूल नंबर सेकंड है क्या, प्रॉपर प्लेस और जिले का नाम। तीसरे नंबर पे यहां पे आपका हो गया डेट है, अब मंथ है और ईयर, यस। चौथे नंबर पे यहां पे आपका हो गया रूल नंबर आप फोर है क्या बच्चों, उस नोटिस की हेडिंग अर्थात हेडिंग। पांचवें नंबर पे हो गया बच्चों आपका रूल नंबर अब फाइव, बताओ क्या, यानी उस नोटिस की सब्जेक्ट है। छठवें नंबर पे यहां पे हो गया बच्चों आपकी बॉडी, यानी मुख्य भाग। सातवें नंबर पे हो गया बच्चों आपका यहां पे यानी उस नोटिस लिखने वाले का नाम, और आठवें नंबर पे आपका यहां पे हो गया उस नोटिस लिखने वाले का पद है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों इस नोटिस के इस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, यह आप अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आज मैं आपको नोटिस की परिभाषा समझाया हूं, विशेषता समझाया हूं, नोटिस हल करने के फार्मूले को समझाया हूं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और उस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना पर्याप्त, थैंक्स।